जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सुबह की राम राम। आज उठने में थोड़ी देर हो गई, 6:15 हो चुके हैं और चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, ये देखो। और डेजी, एक बार और भको। और नुनू, और दाना मैंने डाल दिया, और कबूतर आ भी गए, आज तो बहुत सारे आ गए, ये देखो आप। आज देर हो गई ना, तो ये वेट कर रहे थे मेरा कि दाना नहीं आया। भाई जब दाना आएगा तब आएंगे सारे के सारे। कितने सारे इकट्ठे हुए आज देखो, अभी आने पे ही है। और अभी कमल को कॉल करके देखता हूँ आज कहाँ चलना है, मॉर्निंग वॉक पर कौन से रोड पे जाना है अभी। तो चलिए 5 से 10 मिनट के लिए प्राणायाम कर लेता हूँ, फिर धूप जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। और मेरे दोनों आपको दिखाए थे, मेरे परमानेंट वाले स्टूल हैं ये, एक ये रहा और एक वो रहा बैठने के लिए। तो नीचे से स्टूल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन पर बैठ जाता हूँ। ये मैंने ऐसे ही निकलवा लिए थे, नीचे वाले जो पिलर हैं वो ऊपर निकलवा लिए थे। और वर्तमान में ये पूरी की पूरी जो है लैन डॉक्टर लैन हो चुकी है। धामपुर के 90% हॉस्पिटल इस साइड पे हैं, बस कोई इक्का दुक्का इधर उधर होंगे, वरना अधिकांश सब इसी पे हैं। एक हॉस्पिटल ये है GRM कल्पना हॉस्पिटल, और ये टीचर्स कॉलोनी का मुख्य गेट। अब यहाँ से टर्न हो जाएगा और ये जो पीछे वाली रोड है ये चली जाती है धामपुर सिटी के अंदर, मोहल्ला पहाड़ी दरवाजा, नेजो सराय, जहाँ कभी नेजे लगा करते थे। लेकिन हम लोग जा रहे हैं सीधे, और अब आ गया आपका परीलोक हॉस्पिटल, और परीलोक के बाद में है फिर डॉक्टर सुरेश चौधरी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जैन डेंटल, सैमसंग कैफे। और उसके बाद में संजीवनी नर्सिंग होम, मूर्ति नर्सिंग होम, दयावती, ये बोन स्पेशलिस्ट है। और उसके बाद में सूर्या हॉस्पिटल और पाल हॉस्पिटल। पाल हॉस्पिटल उधर से यहाँ शिफ्ट हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है। और उसके बाद में फिर इधर भी गंगा हॉस्पिटल ये। और हम लोग चल रहे हैं, कालाकड़ रोड कहलाती है ये, जो इसका पुराना नाम है। और आगे जाके यहाँ से ये जो नया हाईवे बना है 734, उसमें विलय हो जाएगी। और यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेके चलेंगे हम, बता देंगे आपको थोड़ा सा किराए पे। और ये आ चुका है आपका RSM तिराहा। अगर यहाँ से हम यूटर्न लेते हैं पीछे की ओर, तब हम चले जाएंगे मुरादाबाद। ये चलो आगे की ओर, और पुलिस चेकपोस्ट, एक मिनट ब्रेक मार के चलना। रणजीत सिंह मेमोरियल महाविद्यालय धामपुर, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित एकमात्र कॉलेज जिसमें एग्रीकल्चर की क्लासें लगती थी। और धामपुर अब से 15-20 साल पहले तक जो है एजुकेशन हब हुआ करता था। अंदर हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जाएंगे नहीं, समय का अभाव है। तो चलो आगे की ओर, कॉलेज किसी दिन और घुमा दूंगा मैं आपको, अभी शायद परीक्षाएँ चल रही हैं तो अंदर जाना ठीक नहीं है। और यहाँ खाने के ठेले खड़े होते हैं बहुत सारे। ग्रेजुएशन मैंने इसी कॉलेज से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इसी कॉलेज से किया मैंने। और उसके बाद में आ चुका है भाई अपना, एक मिनट रोक के चलना, रणजीत सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज, भाई RSM इंटर कॉलेज। इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भाई, 6 से लेकर 12 तक मैंने यहाँ से किया है इस कॉलेज के अंदर से। अभी शायद गेट बंद है तो अंदर जा नहीं पाएंगे, ये गेट शायद ये वाला खुला है, छोटा वाला खुला है, एक बार रुक जाइए मैं देखता हूँ। और छोटा वाला गेट खुला है, देखो मैं देखता हूँ, मैं आपको अपना इंटर कॉलेज घुमा देता हूँ आज।
पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं आज। और हम प्रवेश द्वार से अंदर आ चुके हैं इंटर कॉलेज के, थोड़ा सा वैसे चल लूँ। बहुत कुछ बदल गया भाई, अब हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। और अशोक की लाट, यहाँ जब हमारा इंटरवल हुआ करता था तो हम यहाँ बहुत टाइम पास किया करते थे यहाँ बैठ के। मैं 12th तक बिल्कुल ठीक था, मेरे पैरों में कोई समस्या नहीं थी। और यहाँ ये अशोक की लाट लगी हुई है, और बिल्कुल ये जो वाइट वाली दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके ठीक पीछे ये डिग्री कॉलेज है, RSMPG कॉलेज, वो वाली जो बिल्डिंग है, ये रेड वाली तो इंटर कॉलेज की है, और जो वो वाइट वाली है वो जो है डिग्री कॉलेज की है। तो हम लोग हैं इंटर कॉलेज के अंदर, और यहाँ पर इस कॉलेज की स्थापना की रानी फूल कुंवरी साहिबा ने, और जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे जिनके नाम पे ये विद्यालय बना हुआ है, RSM रणजीत सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज, और इसी तरह से वो पहले जो है डिग्री कॉलेज वो भी यही नाम है। और ये है महाराज जी की यहाँ जो है स्मारक बनी हुई। भैया राम राम, पहचान गए नहीं? और वीर सिंह भैया सफाई कर्मी हैं यहाँ, बहुत पुराने हैं, बचपन से देखा है भाई हमने इनको। और सबसे पहले चलो मैं आपको स्मारक घुमा देता हूँ, जो महाराज की जो है स्मृति में बनाई गई थी। और ये है स्मारक, बहुत पुराना विद्यालय भाई RSM इंटर कॉलेज, और यहाँ भी बहुत टाइम हमने काटा बैठ के, अपना यहाँ बैठ जाते थे हम लोग। आज कॉलेज के अंदर आके पुरानी यादें ताजा हुई भाई, थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सिखाया इस कॉलेज ने हमें, शिक्षा के साथ साथ में उठा पटक भी सिखाई जीवन की। बहुत बढ़िया समय मैंने टाइम स्पेंड किया है कॉलेज में यहाँ, 6th से लेके और 12th तक, और जब इंटरवल होता था तो यहीं पर बैठते थे दोपहर में आके सारे दोस्त हम, और अपना टाइम पास किया करते थे खाना वाना खाने के बाद में, और बड़ा सुकून मिलता है। देखो चिंगर बोल रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये होते थे कॉलेज, लगते थे आपके कोई कॉलेज है ये। और जब से शिक्षा का जो है विकेंद्रीकरण हुआ है, जब से ये प्राइवेट कॉलेज बन गए हैं, धामपुर अपने समय में एक शिक्षा का हब रह चुका है, एजुकेशन हब, जब ये प्राइवेट कॉलेज नहीं हुआ करते थे तो यहाँ लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी, सोर्स लगानी पड़ती थी एडमिशन के लिए। तो मैं इस समय बैठा हुआ हूँ RSM इंटर कॉलेज के अंदर, जो महाराजा रणजीत सिंह जी की स्मृति में स्मारक बनी हुई है उसके अंदर। और मैं महाराजा रणजीत सिंह जी का जो है आपको फोटो दिखा देता हूँ, लगा हुआ है, हमारे समय में लगा हुआ नहीं था लेकिन अब लगा हुआ है यहाँ, यहाँ सीढ़ियों से अंदर जाना पड़ेगा। और ये महाराज की फोटो है रणजीत सिंह जी की, शायद जिन्होंने ना देखी उन्हें दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप, महाराजा रणजीत सिंह जो महारानी फूल कुंवरी साहिबा थी उनके पति देव, जिनकी याद में ये स्कूल इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनाया गया, ये उनकी फोटो है। ये हमारे समय में लगी हुई नहीं थी, ये बाद में लगाई गई है। और मैं आपको स्मारक घुमा देता हूँ, बहुत ही पुराना बना हुआ है, चूने की दीवारें हैं, इस तरीके से ये विंडो बनाई गई है, रंगाई पुताई भी कई साल बाद हुई, हमारे सामने तो कभी रंगाई पुताई भी नहीं हुई इसकी भाई, 6-7 साल हम इस कॉलेज के अंदर रह गए, कुछ नहीं हुआ। और अंदर कुछ नहीं है, अगर अंदर का गेट हम खोलेंगे, ये गेट खुल चुका है, ये खुल गया गेट, और अंदर हम चलते हैं यहाँ से। और ये अंदर की बनावट है इस स्मारक के अंदर की, देखो आप चारों ओर से, और ये छत, और मेरे साथ में आया है कमल, आवाज गूंज रही है इसके अंदर आज। तो चलो मैं आपको और कॉलेज दिखा देता हूँ, क्या क्या चेंज हो चुका है आप पहले की अपेक्षा।
एकदम प्राकृतिक वातावरण में कॉलेज। अब तो इधर उधर जनसंख्या बढ़ चुकी है, वरना पहले सामने भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेट्रोल पंप था, वो भी चल रहा है। वर्तमान में भी दो पेट्रोल पंप है यहाँ बाहर, और ये बेंच भी नहीं बनी हुई थी, अब तो यहाँ बेंच भी बन गई बैठने के लिए इस स्मारक में। और आरएसएम इंटर कॉलेज से अधिक पेड़ खड़े हुए हैं केम इंटर कॉलेज के अंदर। और एक चीज और मैं दिखा दूं आपको, वीरपाल भैया, ये बास्केटबॉल का सन याद है क्या, कब बना था आपके सामने? बना था ये बास्केटबॉल, बास्केट कौन से सन में बना होगा लगभग? बचपन तो याद नहीं है, मेरे ख्याल में इतना हो गया होंगे 25 साल के लगभग। ज्यादा भाई साहब, 25 साल तो कॉलेज छोड़े हुए हो, कहाँ हो? तुम्हारा सामने बना रहे हैं ना, मेरे से पहले था भैया ये, मेरा 92 में एडमिशन हुआ था, उससे पहले बास्केटबॉल था, पहले बनाया। और धामपुर का सबसे पुराना कॉलेज जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ था, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, उससे पहले यहाँ धामपुर में किसी भी कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था, आसपास के एरिया में भी नहीं था भाई, कहीं पे नगीना सिवहारा कहीं नहीं था। जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बास्केटबॉल कोर्ट है जो आप दिखाई दे रहा है, ये आपको सबसे पुराना बास्केटबॉल कोर्ट है ये। और इसी तरीके से एक उपलब्धि डिग्री कॉलेज के नाम भी है, वो जब डिग्री कॉलेज दिखाऊंगा मैं आपको जो दिखा दूंगा। और ठीक मेरे सामने ये प्रे ग्राउंड है यहाँ का, जहाँ पे प्रेयर होती है। हमारे समय में जो सामने कमरे बने हुए हैं, ये सारे टीन शेड थे, सीमेंट की टीन पड़ी हुई थी इनके ऊपर, और सब ये पक्के हो चुके हैं, सारा लेंटर पड़ गया यहाँ पर। इसी तरह से पहले बने हुए थे, अब भी इसी तरह से बने हुए हैं, और वो शायद सामने वाले कमरे वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी इनमें चेंज हुआ है बस, इनमें लेंटर पड़ा है ये, वो पहले से ऑलरेडी लेंटर के थे वो सारे के सारे। पानी पीने की। और भैया हमारे परिचय है, भैया आरएसएम इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। और ये सामने की ओर जो है ये हॉल बना हुआ है यहाँ का, जो इंडोर जो है वो होते हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं उसके लिए। और ये मेरी 9th की क्लासेस थी दोनों, 9th हुआ करती थी ये, अब तो ये 11th की है ये। चलो, और यहाँ सामने जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब थी हमारे समय में, शायद अब भी लैब होंगी ये। और ये है अध्यापक कक्ष, चलते रहो, और ये कला कक्ष है। और अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे इस वाले जीने से, तो यहाँ ऊपर जो है बायोलॉजी की लैब है ऊपर, और ठीक पीछे मेरे यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब है ये दोनों। और पेड़ यहाँ से कुछ कट चुके हैं, पहले यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए थे, अब एक ही बचा है। और ये अशोक के पेड़ बहुत छोटे छोटे थे, अब देखो कितने विशाल वृक्ष हो चुके हैं ये। अशोक के हैं ये। चलो अंदर की ओर, आगे रास्ता है। हाँ, आगे रास्ता है, चलो। खुला है। देखो यार कितना बुरा हाल हो गया, गेट उठ चौकट ऊपर सब तोड़ दी गई है इनकी। जाओ एक मिनट, जाओ उधर, खुल गया। और यहाँ पे पहले ये गेट लगा हुआ नहीं था, देखो ये गेट लगा हुआ नहीं था। और ये सबसे पुराना, देखो आप ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये डिग्री कॉलेज की है, ये डिग्री कॉलेज का बैक है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज की क्लासे हैं ये। हाँ, एक मिनट। और दोस्तों, जितने भी लोग आप आरएसएम के अंदर पढ़े हुए हो भाई, कॉलेज तो बहुत से आए नहीं होंगे जब से छूटा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हम ही एक भाग्यशाली हैं जो 8-10 साल में एक बार चक्कर मार देते हैं यहाँ। और ये हमारी जो है जूनियर क्लासे हुआ करती थी, मैं अपनी क्लास दिखा दूँ आपको, मुझे सेक्शन भी याद हैं अपने, गलत जगह से आ गए हम लोग। और ये है B1 और उधर A, 6A और 6B था। उसी तरीके से यहाँ हमारे समय में 4 सेक्शन थे 6 क्लास के, मतलब इतनी अच्छी स्टूडेंट जो है लेंथ थी, इतना स्टूडेंट था यहाँ उस समय कि 4 सेक्शन थे एक एक क्लास के, 4 सेक्शन B1 B2 ऐसे करके ये। और यहाँ कुछ नहीं बदला अभी इस वाले हिस्से में, जैसे पहले था अभी वैसे का वैसे ही है ये।
ये क्लासें वैसी की वैसी हैं, टीन शेड भी पुरानी पड़ी हुई है उसी समय की, इसी तरह से क्लासें बनी हुई थी। ये जूनियर 6 to 8 वाला हिस्सा है ये इनका, बस ये नल लगा है बाद में जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये। और अब तो यहाँ जो है को एजुकेशन हो चुकी है, हमारे समय में नहीं थी, अब यहाँ बालिकाएं भी पढ़ती हैं और बालक भी पढ़ते हैं, लेकिन पहले सिर्फ लड़के लड़के पढ़ते थे। सब कुछ पुरानी टीन पड़ी हुई है, देखो पहले की हमारे समय की टीन में भी छेद हो गए, पानी टपकता होगा बारिश में। यही हालात डिग्री कॉलेज की जो बिल्डिंग है पुरानी वाली, इसके हो रखे हैं, विंडो के किवाड़ वगैरह सब उखड़ गए, सब तोड़ दिए गए। यहाँ अभी कुछ नहीं बदला है, जब मैंने 10th किया था तो सबसे पहले 11th, और शायद ये भी 11th ही है भाई, ये रूम नंबर 11th है, पता नहीं क्या है, 11th तो लिखा हुआ है। सबसे पहले इस वाले रूम में आया था, और ये जो है केमिस्ट्री की लैब है, और ये जो है फिजिक्स की लैब है इधर। और मैंने अपने सब दोस्तों को देखो भाई कॉलेज घुमा दिया आज, एक रूम यहाँ बना हुआ था वो ख़त्म कर दिया गया है, और ये वाली है हाई स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला, और उधर है इंटर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। और इस स्कूल का सबसे खड़ा जीना है भाई ये, आप यहाँ से चढ़ेंगे और उधर जो है हॉल में से होते हुए उधर वाले जीने से निकल के आ जाएंगे आप। और वो सामने प्रधानाचार्य कक्ष है, और यहीं पे कॉलेज का कार्यालय बना हुआ है। और प्रधानाचार्य शायद ओपी यादव जी हैं इस समय, उन्होंने हमें 11th में पढ़ाया है ये कार्यालय। और ये गैलरी है सामने जो उधर की ओर खुलती है जहाँ से हम लोग आए हैं। और यहाँ सामने बनी हुई है कृषि विभाग की, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और ये भी ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है भाई, आज तक कुछ नहीं बदला है, अभी वही हॉल वही टीन सब कुछ वैसे का वैसे ही है। और मैं एक रोचक तथ्य और बता दूं आपको, जो बहुत कम लोगों को पता है इस विद्यालय के क्षेत्र के बारे में, इसका जो पुराना नाम है, जो कागजी नाम है, वो है भोला रामपुर धामपुर, ये ग्राम पंचायत है। जो लोग यहाँ पढ़े हैं पुराने उनको तो पता होगा, नए वाले बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, वो सब ये मान के चलते हैं कि धामपुर में लगता है, लेकिन ये ग्राम पंचायत है जो सुहागपुर से अटैच है, बराबर में यहाँ सुहागपुर ग्राम पंचायत है। तो इसका एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, भोला रामपुर अल्हेपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है सारे का सारा क्षेत्र, जिसके अंदर ये RSM इंटर कॉलेज आता है। मैं आपको बता रहा था वो यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये पहले लिखा हुआ नहीं था यहाँ, ये बाद में बोर्ड लगा हुआ है RSM इंटर कॉलेज भोला रामपुर धामपुर। और हाई स्कूल की मान्यता सन 1944 में मिली, यानी कि आज़ादी से पहले, और इंटरमीडिएट की मान्यता सन 1950 में मिली, आज़ादी के 3 साल बाद में। और पूरे का पूरा विवरण लिखा हुआ है देखो आप इस पे, कर्नल रणवीर विक्रम सिंह अध्यक्ष हैं, और राम नारायण सिंह प्रबंधक हैं, और ओपी यादव मैं आपको बता रहा था वो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं वर्तमान में। अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करें आप, धन्यवाद।